नमस्कार दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्विटर पर किसी लेडी डॉन वाले नाम के अकाउंट से जान से मारने की धमकी दी गई थी, लेकिन जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि वो ट्विटर अकाउंट फेक है और वो कोई लेडी डॉन नहीं बल्कि फिरोजाबाद का एक सोनू नाम का लड़का है। इसे पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन आपको बता दें कि सोनू को और योगी आदित्यनाथ के चक्कर में जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, जो देश की जातिवादी और मनुवादी मीडिया है, उसने भीम आर्मी और चंद्रशेखर आज़ाद का किस तरह के से नाम खराब किया, भीम आर्मी को किस तरीके से बदनाम कर दिया। पूरे देश में यह झूठी खबर चलाई गई तमाम मीडिया चैनलों के द्वारा कि सोनू भीम आर्मी का नेता है, भीम आर्मी का कार्यकर्ता है। जी हाँ मित्रों, आपको बता दें कि आपकी स्क्रीन पर एबीपी गंगा का एक आर्टिकल दिख रहा होगा जिसमें लिखा है कि सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार, भीम आर्मी से है। इसके अलावा आपको बता दें कि नवभारत टाइम्स ने भी लिखा कि लेडी डॉन बनकर गोरखनाथ मंदिर और सीएम योगी को धमकी देने वाला भीम आर्मी का सोनू गिरफ्तार। वहीं आपको बता दें कि जागरण ने भी इसे लिखा कि सोनू का भीम आर्मी से कनेक्शन है। अमर उजाला ने भी इसे भीम आर्मी का नेता बताया। और इतना ही नहीं, दैनिक भास्कर ने भी एक गलत खबर चलाई कि फिरोजाबाद के भीम आर्मी कार्यकर्ता ने बनाया था फेक ट्विटर अकाउंट, कहा था सीएम योगी को बम से उड़ा दूंगा। यूपी तक ने आपको बता दें कि इसे भीम आर्मी का नेता बताया। इससे आपको बता दें कि जो भीम आर्मी की छवि है वो तो खराब होती ही है, साथ ही आपको बता दें कि बहुजन समाज के लोगों का नाम खराब होता है कि भीम आर्मी में ऐसे ऐसे नेता काम कर रहे हैं जो कि आपको बता दें कि किसी भी को भी मारने की धमकी दे देते हैं। तो इससे आपको बता दें कि जो चंद्रशेखर आज़ाद की पॉपुलरिटी है उस पर कहीं ना कहीं बुरा असर पड़ेगा। इसको देखते हुए आपको बता दें कि भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन ने कहा कि मैं तमाम मीडिया चैनलों पर जो है मानहानि का केस दर्ज करूँगा। तो आप समझ सकते हैं कि मीडिया चैनल जो कि आपको बता दें कि मेनस्ट्रीम मीडिया है और मीडिया ही देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, लेकिन आज आपको बता दें कि जो मीडिया चैनल हैं वो इतने नीचे गिर चुके हैं कि वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, किसी का भी नाम लेकर उसे बदनाम करने पर तुले हुए हैं, ना ही तो ठीक से उसकी जाँच करते हैं और झूठी खबरें लगातार चला देते हैं, जिससे कि आपको बता दें कि बहुजन समाज के लोगों को नुकसान होता है, जिसके खिलाफ भी चलाते हैं उन्हें यह नुकसान होता है। तो आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि आप ऐसे टीवी चैनलों को बंद करने देखना जो कि आपको बता दें कि बहुजन समाज के हित की कभी बात ही नहीं करते, आपके पक्ष में ये कभी खबर नहीं चलाएंगे, सिर्फ आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। आप तमाम बहुजन चैनलों को सर्च करके आपको बता दें कि बहुजन समाज के चैनलों को देखिए, उन्हें सब्सक्राइब कीजिए और आपको यह खबर कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। चलिए मिलते हैं किसी अन्य खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।